पंछी, वो आग, इंदुमती। महाराज। भीम, पता नहीं राजकुमारी कहाँ है, कुछ करो भीम। महाराज, हमने पूरा जंगल ढूंढा पर हमें सिर्फ ये मिला। भीम, ये उसी पक्षी के पंख हैं जो इंदुमती को। महाराज, हम राजकुमारी को घर वापस लाएंगे। ये जरूर बोटकपुर की साजिश है भीम, वो पंछी उनके जंगल में था। पता नहीं कैसा पंछी था, कहां से आया और कहां गया। वो कैसा भी हो, कहीं से भी आया हो, हमें उसे ढूंढ निकालना है। भीम, भीम, जल्दी जल्दी चलो, प्रोफेसर धूमकेतु को उस पंछी के बारे में कुछ पता चला है। क्या? चलो जल्दी। ये कैसे? नहीं, लेकिन मगर अगर कैसे? प्रोफेसर धूमकेतु? भीम, तुम सब, मुझे लगा भूत। मगर आप भूतों को कब से मानने लगे? राजू, भूतों को मैं मानता तो नहीं, लेकिन ये पंख, ये भूत के पंख है। यानी राजकुमारी का भूत। राजकुमारी खतरे में है, ये पंख हमारा एक लौता सुराग है। भीम, ये केट्ज़ल के पंख हैं। कैसे? ये कितना सुंदर गाती है। हाँ, कहते हैं कि ये जादुई पंछी है। ये जादुई पंछी आया कहाँ से? ये सिर्फ थियाका के जंगलों में रहते थे। ये थियाका कहाँ है? हजारों सालों से थियाका का कोई नामो निशान नहीं, शायद वो गायब हो गए। केट्ज़ल कहीं है तो थियाका में, और केट्ज़ल हमें राजकुमारी तक पहुंचाएगा। चलो दोस्तों। आज्ञा दीजिए महाराज। भीम, हमें तुम पर पूरा विश्वास है। ये लो राजू, खोए थियाका तक पहुंचने का नक्शा। कितनी अजीब आवाज़ें हैं। यही थियाका है। राजू, तुमने जरूर गलती की है और हम अब कहीं खो गए हैं। ये आवाज तो वैसी ही है, वो सुंदर आवाज। भीम, वो देखो। यही हमें राजकुमारी तक पहुंचाएगा। मैं राजकुमारी को ढूंढूंगा भीम।
कर दिया। क्या कहा? तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। ये तो राजकुमारी की आवाज है। राजकुमारी, हम आपको घर ले जाने आए हैं। हमें राजकुमारी मिल गई है, अब चलो यहाँ से, वरना वो रोरान हमें भी मिट्टी में मिला देगा। चलो। चलो। नहीं भीम, जाबाज हमारा कैटसल बोला, चुना तुम्हें। आप सब ये क्या कह रहे हैं? हम रात को मिट्टी में मिल जाते हैं, इसीलिए हमने तुम्हारे पास कैटसल भेजा तुम्हें लाने। भीम, ये सच कह रहे हैं? भीम, दोनों बंदर, जादुई पूंछ वाले बंदर छुप गए जंगल में। ये खतरनाक जंगल हमें खा जाएगा। चचुंदर की कड़ी मेहनत। चलो दोस्तों।
हमारे ढोलकपुर में तुम्हारा स्वागत है आगपस। मैं यूनान के राज्य से हूँ। डियाडोची, हमारे राजा पर ब्रेवलस नाम के एक बुरे जादूगर ने हमला किया था। ब्रेवलस के पास सारे योद्धाओं को वश में करने की जादुई शक्ति है, जिसके सामने आज तक कोई योद्धा टिक नहीं पाया। तुम ही हो जो हम सबको बचा सकते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ हमारे राज्य चलो और उस बुरे जादूगर से लड़ो। तो चले भी। हाँ हाँ, देर किस बात की। हम पहुँच गए हैं। दोस्तों इस तरफ चलो। ये मुकुट तुम्हें उस जादूगर के मंत्र से बचाएगा। ध्यान रखना भीम, ब्रेवलस तीर कमान का इस्तेमाल करता है। घबराओ मत, हमारे साथ एक बेहतरीन तीरंदाज है। Oh,
दोनों पर टुनटुन मौसी। उन बदमाश ढोलू और भोलू पर। उन दोनों ने आपसे झूठ बोला? हाँ, और मेरे लड्डू भी चुरा लिए। क्या हुआ दोस्तों? क्या टुनटुन मौसी मुफ्त में लड्डू बेच रही है? क्या तुम सर्कस में काम करने लगे हो? क्या मतलब चुनो? खुद ही देख लो कालिया। मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। ढोलू और भोलू तो गए काम से। तो ये भी ढोलू और भोलू ने ही किया है। ढोलू भोलू पकड़ो उन्हें। हम इन दोनों को सबक सिखाएंगे। मेरे पास एक तरकीब है, लेकिन इसके लिए मौसी अब हमें थोड़े से लड्डू चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ भीम, ये सच है। ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा और मैं मुफ्त में लड्डू भी खाऊंगा। मुफ्त में लड्डू तो मैं ही खाऊंगा। मौसी जी ने कहा सबसे तेज लड्डू खाने वाले को महीने भर मुफ्त लड्डू मिलेंगे। और आज तो उन्होंने सबसे स्वादिष्ट सफेद लड्डू बनाए हैं। सफेद लड्डू? जाओ तुम दोनों भी खाओ। अब आएगा मजा। मेरी ये उम्र घटाने वाली मशीन अगर काम कर जाए तो दुनिया में तहलका मच जाए। हाँ, ये क्या हुआ? ओह अच्छा, हाँ चिड़िया वापस अंडा बन गई। हाँ, लगता है मशीन काम कर रही है। ढोलू भोलू जल्दी। हाँ हाँ जल्दी। क्या निशाना लगाया भीम? उस्ताद आपने कितनी बार फेंका पर लगा ही नहीं। पर भीम ने तो एक ही झटके में। उसके झटके की बात की तो तुझे पटके पड़ेंगे। अब जल्दी करो और उसे पकड़ने की कोशिश करो इससे पहले कि वो पिट्ठू बना ले। भीम, ये मत सोचो कि मैं अच्छा भागता नहीं। भागने का पता नहीं लेकिन अच्छा हाफ लेते हो। राजू तुम तो गए। ये सचमुच में गया क्या? बस बस करो भीम, रुक जा। ठीक है, लो रुक गया। आखिर में हार मान ही गए मुझसे। हार तो तुम्हें माननी होगी। जरा पीछे मुड़कर तो देखो। पिट्ठू पिट्ठू। चुटकी ने बाजी मार दी। हम लड़कियों को लड़कों से कुछ कम मत समझना। आप बिना उस्ताद ध्यान कहाँ था आपका? देखो फिर से हरा दिया ना। अच्छा तो सब मेरी गलती है? नहीं। छोड़ो भी कालिया, खेल ही तो था। और ऐसा खेल जिसमें सबके लिए इनाम पक्का है। बड़े स्वादिष्ट बने हैं ये। क्या बात कह रहे हैं अभी चाचा? कभी किसी मशीन से किसी की उम्र नहीं कम हो सकती। हो सकती है, इससे चिड़िया वापस अंडा बन गई और तितली वापस कीड़ा बन गई। हाँ,
और सेनापति जी वापस बच्चे बन गए। भागो! पिताजी, आप ये बबल गम मत खाइए। पर मुझे खानी है, मुझे भूख लगी है। नहीं, ये नहीं, सफेद नहीं, गुलाबी आइसक्रीम, छोटी नहीं, बड़ी चॉकलेट। क्या मैं सेनापति जी से मिल सकता हूँ? उनके लिए महाराज का संदेश है। क्या है? आप बैठिए ना। इस बच्चे की ये हिम्मत? राजू, हमें तुम्हारे नटखट पिताजी को यूं शैतानियां करने से रोकना होगा। पिताजी! हाँ, पिताजी कहाँ गए? लाल, लगता है पानी खत्म हो गया। मैं आपकी कुछ मदद करूं? जरा बाल्टी में पानी ला दो। जी, जरूर। तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? मेरा नाम राजू है। कहाँ है राजू? नहीं छोड़ूंगा उसे। हाँ, मैंने क्या किया? पहलवान से पंगा, मेरे पानी में मिट्टी मिलाता है। अरे नहीं नहीं, इसने कुछ नहीं किया। लड्डू खाइए, शांत हो जाइए। नहीं, मैं इसका हलवा बना दूंगा। तो लड्डू मैं ही खा लेता हूँ। हवी चाचा, पिताजी को जल्दी वापस पिताजी बना दीजिए। रोबदार और खूब संयम नियम वाले। सैनिक, ये सब क्या है? सावधान, सीधे खड़े रहो। है? ये क्या, कितना पतला दूध है। लेकिन टुनटुन जी, इसे तुम दूध कहते हो? पर हमारी बात तो, ये तो सफेद पानी है। आपकी हिम्मत कैसे हुई दोनों दूध वाले से ऐसे बात? अरे, ये कौन टुनटुन मौसी से जबान लड़ा रहा है? हमारी पुरानी दूध वाली रामू काका अचानक बहुत बीमार हो गए, तो ये कोई नया दूध वाला है। कल ही दूसरे गांव से आया और आती ही माँ से झगड़ा शुरू। माँ को तो एकदम अच्छा दूध चाहिए। वो कहती है सबकी शक्ति बढ़ाता है दूध। हर एक बीमारी को बढ़ाता है दूध। क्या आप मुझे एक गिलास दूध दे सकती हो? हाँ जरूर बच्चों। सिर्फ 5 सोने के सिक्के। हाँ, सोने के सिक्के? ये फिलहाल चलेगा है? अब खड़े खड़े मुंह काहे देख रहे हो? जब पैसे हो तब आना। फट! क्या हुआ? तुम यहाँ किसी को धोखा नहीं दे सकते, उसके पैसे वापस दो। अच्छा अच्छा, ये लो। Thank you.
वो इसलिए क्योंकि चाहे जितनी भी सफाई से तुम छुपो, तुम्हारे ये दो बाल नहीं छुपते। मुझे नहीं खेलना छुपन छुपाई। तो डॉजबॉल खेले राजू या पकड़म पकड़ाई? नहीं, मुझे खेलना ही नहीं है। रूठो मत राजू, जग्गू तो बस मजाक कर रहा था। हाँ। और माँ कहती है कि छोटी बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए, वरना हम हर वक्त उदास ही रहेंगे। राजू, सुना है कि कालिया के मामा के गैराज में नई गाड़ियाँ आई हैं, वो देखने चले? हाँ चले 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 चले। आओ चलो। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? देखने की चीज थी और तुम दोनों ने सारा का सारा यहीं बिखेर दिया। लेकिन देखो कालिया, इन दोनों ने कचरे से कुछ अच्छा बनाने की कोशिश की। हाँ, और इनसे कितनी निराली धुन निकली अभी। क्यों ना हम इनसे कुछ निराले बाजे बनाएं? माँ कहती है कि रद्दी कचरे से भी हम मजेदार काम की चीजें बना सकते हैं। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। लड्डू का शौकी भीम 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 छोटा भीम।